दोस्तों कुछ दिनों पहले शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की मच अवेटेड फिल्म डंकी का टीजर लॉन्च हुआ। इसके नाम को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन टीजर के लॉन्च होने के साथ ही ये पता चला है कि ये फिल्म बेसिकली इंडिया से यूएसए, यूके और कनाडा में इलीगली एंटर करने के प्रोसेस यानी कि डोंकी फ्लाइट पर बेस्ड है। आज अमेरिका में इलीगली एंटर करने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स में पांचवी सबसे बड़ी संख्या इंडियन इमिग्रेंट्स की है, तो वहीं यूके में इंडियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स तीसरे नंबर पर हैं। देखा जाए तो डोंकी फ्लाइट्स के चक्कर में फंसकर लोग दुनिया के सबसे डेडलीस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें हर साल बहुत से इंडियंस अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला लॉकडाउन के बाद तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में इलीगल एंटर करने वाले इंडियंस का नंबर 2019 से 2023 के बीच 5 गुना बढ़ गया है। दोस्तों फिल्म की कहानी जाने क्या होगी, लेकिन टीजर के बाद इस डोंकी फ्लाइट्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। आखिर ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, आखिर क्यों लोग इंडिया से इलीगली यूएसए, यूके या फिर कनाडा जैसे देशों में जाने की कोशिश करते हैं, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं और इसके लगातार बढ़ते मामलों के पीछे क्या कारण है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डोंकी फ्लाइट से जुड़े हर